आलमगीर, आपने ना, आपको शायद ना पता हो, आपने एक फिनोमेना शुरू किया। हमने पहले लड़कों को देखा कि वो टी शर्ट पहन के हमें सिग्नल्स के ऊपर नजर आए, फिर उसके बाद जब वो नाइट मेयर्स आते हैं सिंध गवर्नमेंट के, तो जो जितने भी पॉलिटिशियन है, जितनों को मैं जानता हूँ आपके नाम से राइट, ये इफ आई रिमेम्बर करेक्टली ये एक रशियन मूवमेंट थी, लेकिन वहां पे लोगों को थोड़ी सी शर्म और एहसास था, तो जबीज होटल से शुरू हुई थी रशियन। जबीज होटल था ना सदर में, रशियन मूवमेंट रशिया से शुरू हुई थी। यहाँ पे कंटिन्यूटी थी। अच्छा, ये कहाँ से ख्याल आया? ये एक्चुअली रशिया में एक वेबसाइट थी, उन्होंने अपनी प्रमोशन, बिजनेस प्रमोशन के लिए ये एक वहाँ पे कैंपेन शुरू की। मेन शारा पर तीन गड़े थे, उन गड़ों के साथ इन्होंने मेयर, डेप्टी मेयर और गवर्नर के स्केचेस बनाए। अगले दिन वहाँ इंतजामिया आती, उसको पेंट कर देती उन स्केचेस को। तो फिर ये वेबसाइट वाले आते लिखते कि पेंटिंग इट इज नॉट फिक्सिंग इट, वाओ फिक्स इट। तीन दिन के अंदर वो फिक्स कर देते उसको, या वो मुझे फिक्स करने निकल आए या वो सारी इंतजामिया, पुलिस, मुझ पर FIR, मेरे साथियों पर FIR, चले हम पे FIR कर दें, हमें अंदर कर दें, मसला भी तो हल कर देना साथ। तो ये लोगों का एक शिकवा था, और इसी तरह शहर के और मसाइल, कचरे का मसला, पानी का मसला, सड़कों का मसला, तो हमने वक्तन बवक्तन इस पर आवाज़ बुलंद की अपने मुनफरिद अंदाज में। ये ओनरशिप एक आम शहरी को देनी थी कि वो सवाल करे, वो किसी सरकारी महकमे में जाए, एक मालिक की तरह जाए। आज उनसे जो रवैया होता किसी भी महकमे में, वो ऐसे होता है जैसे ये कोई मुलाजिम या थर्ड क्लास सिटीजन है। तो ये सारी बेदारी सोच, इसके तहत ये फिक्सेड आज दिन तलक हम जहन साजी कर रहे हैं, नौजवानों में इसकी आगाही पैदा कर रहे हैं, और कई जगह हम कामयाब हुए हैं। आपकी इस मोमेंट से इंस्पायर होकर मैं भी थाने में गया, मैंने इनकी वीडियो देखी थाने में ना, इन्होंने जाके दबंग तरीके से एंट्री दी, मैं भी चला गया। तीन दिन लगे मुझे बेल कराने में, कोई नहीं आया। फिर मैंने बड़ा बोला मैं आलमगीर साहब का फिक्सेड से, कहता कार्ड वगा। आपका कोई मेंबरशिप कार्ड होता है? क्या होता है? सर बिल्कुल कार्ड है हमारा। हाँ, तो उसका क्या तरीका क्या आपसे मेंबरशिप ले? बस आप आए, वो कार्ड पहले एक टेम्प्रेरी कार्ड होता है, फिर आप जब एक्टिविटीज में आएंगे, शामिल होंगे, पसीना बहाएंगे हमारे साथ, तो फिर वो एक परमानेंट कार्ड बनता है, और तीन महीने का ये पीरियड होता है सारा। तो ये है सिलसिला। साल तक आप ठीक ना करें तो वो डिस्कार्ड हो जाता है। पसीने वाली एक्टिविटीज में अली सलमान ने बहुत मेहनत की है। हंसो यार, आपने इतने ढक्कन लगाए, आपने शहबाज गिल के लिए ढक्कन तैयार क्यों नहीं किया? उस बेचारे को अंदर मैंने कहा अगर पहले ही उसको ढक्कन लग जाता बेचारे को इतने मसले ना होते।